नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। पत्नी और बच्चे को लाने के लिए पति ससुराल गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ससुराल में पत्नी और सास ससुर ने उसके लिए कफन का इंतजाम कर रखा है। अवैध संबंधों के लिए पत्नी ने न सिर्फ पति के कत्ल की साजिश रची, बल्कि हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए मासूम बच्चे का भी कत्ल कर दिया। क्राइम कंट्रोल में आज हम इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। गोंडा में पति और ससुराल वालों की खूनी साजिश, पत्नी के अवैध संबंध और रुपयों के विवाद में पति और बच्चों का कत्ल, आरोपी पत्नी सास ससुर गिरफ्तार। बरेली में चौकीदार और सिपाही पर लगा अश्लील डिमांड का आरोप, पति को छुड़ाने चौकी गई थी महिला, एसपी ने दिए जांच के आदेश। और संभल में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा था आरोपी, एनकाउंटर में दो सिपाहियों को लगी गोली। दोहरे हत्याकांड की एक ऐसी खौफनाक वारदात कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पत्नी, सास ससुर और साली ने मिलकर शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पेड़ पर लटका दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपनी हैवानियत को छुपाने के लिए 1.5 साल के मासूम बच्चे की भी जिंदगी छीन ली और आरोप दामाद पर ही लगा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हैवानियत का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये महिला, इसके माँ बाप और बहन, इन सभी की हैवानियत का सच सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रिश्तों से ही नहीं, इंसानियत से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। पति और मासूम बच्चे की मौत पर आंसू बहाने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अवैध संबंधों का विरोध और रुपयों के लेन देन के विवाद में ससुराल में शख्स के कत्ल की इबारत लिख दी गई। अपनों की खौफनाक साजिश, पति और मासूम का कत्ल, अवैध संबंध के लिए हैवानियत। आरोप है कि अपनी आशिक मिजाजी के लिए पत्नी ने ना सिर्फ अपने सुहाग के कत्ल की साजिश रची, बल्कि 1.5 साल के मासूम बच्चे का गला घोटने में भी उसके हाथ नहीं कांपे। खूनी साजिश में महिला के माँ पिता और बहन ने भी उसका साथ दिया। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी पेड़ पे लटके हुए, और साथ ही में उसके 1.5 साल का बच्चा था जिसको गला दबा के मार दिया गया था। तो प्रथम सूचना ये मिली कि पति ने, उस व्यक्ति ने, अब पिता ने अपने पुत्र की हत्या करके खुद को भी फांसी लगा लिया है। शुरू से ही प्रकरण संदिग्ध था, FIR दर्ज कर ली गई थी। दोहरे हत्याकांड की वारदात थाना तरबगंज इलाके के कड़हनपुरवा की है। यहाँ रहने वाले शोभनाथ की शादी उमरी बेगमगंज थाना इलाके की नीलम से हुई थी। 19 जुलाई को शोभनाथ ससुराल से पत्नी और 1.5 साल के बच्चे को लाने गया था। रात में वो वहीं रुक गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकती हुई मिली, जबकि बच्चे की लाश घर से बरामद हुई। पत्नी और सास ससुर ने आरोप लगाया कि बच्चे की हत्या करने के बाद शोभनाथ ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हैवानियत का सच बेनकाब कर दिया। उस पोस्टमार्टम हुआ उस व्यक्ति का, तो उसमें गला दबा के मारने की बात आई थी, ना कि सुसाइड की। तो ये घटना का नावरण हो गया है, और उसमें पति की हत्या करने में और अपने बच्चे की हत्या करने के आरोप में स्त्री को, उसकी बहन को और उसके पिता को, साथ ही साथ जो उनकी माँ है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और घटना का नावरण हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शोभनाथ की मौत फांसी लगाने से नहीं हुई, गला घोटकर उसकी हत्या की गई। बच्चे का भी गला घोटा गया था। पुलिस ने पत्नी नीलम से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक ससुर ने शोभनाथ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वो वापस करने को तैयार नहीं था।
दूसरी तरफ पत्नी नीलम के किसी और से अवैध संबंध भी थे, जिसके चलते आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। दामाद की हत्या को आत्महत्या का रूप देने और अपनी गर्दन बचाने के लिए हैवानों ने मासूम बच्चे का भी गला घोट दिया। ससुर ने दामाद शोभनाथ के खिलाफ मासूम नाती की हत्या कर सुसाइड कर लेने का केस भी दर्ज करा दिया, लेकिन कानून से बचने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। उस व्यक्ति ने अपने ससुर को 1,00,000 रुपया दिया था और उसको मांगने के लिए वो बार बार उससे कह रहा था लेने के लिए, लेकिन उसका ससुर दे नहीं रहा था। साथ ही साथ संभवतः उसकी पत्नी के भी कुछ अवैध संबंध थे। इस पूरी जांच पड़ताल में पता लगा कि इन्हीं लोगों ने, उसकी पत्नी ने अपने पिता और अपने बहन के साथ मिलकर के हत्या कर दी है और उसको शव को पेड़ पे लटका दिया। पत्नी और ससुराल वालों की जघन्य साजिश ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर कोई परिवार इस कदर बेरहम कैसे हो सकता है कि कुछ रुपयों के लिए रिश्तों का खून कर दे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाशनाथ वर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। एक के बाद एक कई एनकाउंटर में एक दर्जन से ज्यादा खूंखार बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश की पहचान 5,000 के इनामी रवि के रूप में हुई है। गिनती गिनती आखिरी बार, एक, दो, तीन, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। चारों ओर से घेर रखा है, चारों ओर से। हाईवे किनारे जंगल में बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुटी ये है पुलिस की जांबाज टीम। पुलिस को देखते ही बदमाश हाईवे से दूर जंगल की तरफ भाग निकले। बदमाशों को चेतावनी देते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस के जवान आगे बढ़े। लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली इलाके की हैं। पुलिस को चारों ओर से बाहर आ जाओ। NH-58 के पास बदमाशों की खबर मिली थी, जिसके बाद छात्रों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। अपनी जान की घेरे चाहता तो बाहर आ जाना। नाकेबंदी करके पुलिस ने बाइक पर सवार दोनों बदमाशों को घेर लिया, चलो। जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने बाइक छोड़ दी और फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भाग निकले। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, अपनी जान की खैर चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना मारे जाओगे। पुलिस को जैसे ही बदमाशों के बारे में खबर मिली, हाईवे पर नाकेबंदी करके चेकिंग अभियान चलाया गया। चारों ओर से घिरे हुए। इसी दौरान वायरलेस सेट पर पुलिस को मैसेज मिला कि दो बदमाश फायरिंग करते हुए बाइक से जंगल की तरफ भागे हैं। हाथ ऊपर करके तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, नहीं बाहर आ जाओ। जिसके बाद आसपास के थानों की पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच के जांबाज सिपाहियों को भी मौके पर बुलाया गया। एक उस साइड से कवर करना है, उस साइड से भाग, बाहर आओ, उस साइड से कवर करना है, चल उस साइड से, चल आराम से आगे बढ़, उस साइड से ही कवर करना है, उस साइड से धीरे धीरे, बस 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 यहीं से घेर, बाहर आओ। और बदमाशों को गन्ने के खेत में घेर लिया गया। चौतरफा घिरने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली पुलिस की कार में लगी। गनीमत रही कि कोई पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जंगल में गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा।
पुलिस को जिधर भी बदमाशों की भनक लगती उस तरफ घेराबंदी की जाती। वो कर रहे थे चेकिंग मंगेला चौकी पे, तो तभी इंस्पेक्टर खतौली को सूचना मिली कि एक बदमाश अपने साथी के साथ जो रतनपुरी में लूट में इनामी भी है वो इधर की तरफ आ रहा है एक सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल पे, तथा इनका प्लान जो है कोई बड़ी वारदात करने का हाईवे पे था। रात के अंधेरे में जंगल में घंटों चोर सिपाही का खेल चलता रहा। कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने 5,000 के नामी बदमाश रवि को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के गिरफ्त में आया रवि दौराला का रहने वाला है और कुख्यात अपराधी है। आरोपी के खिलाफ मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को काफी दिनों से रवि की तलाश थी, इसी वजह से उसके ऊपर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की इस कामयाबी पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और क्राइम ब्रांच के जवानों को शाबाशी दी। एसपी के मुताबिक हाईवे में लूट की कई घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान आरोपी रवि के आने की खबर मिली जिसके बाद घेराबंदी की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद ये कामयाबी मिली। जो बदमाश घायल हुआ है उसे हॉस्पिटलाइज। कौन है बदमाश, क्या बरामद हुआ है? बदमाश का नाम रवि है जो सूचना मिली है। 5,000 का इनामी है जो थाना रतनपुरी में अभी पिछले दिनों एक फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना हुई थी उसमें भी वो संलिप्त था। इसके अलावा और भी घटनाएं, क्योंकि ये अभी का मामला है, हो सकता है और भी अपराधों में उसकी संलिप्तता पाई जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि ने हाल ही में फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा कई और वारदातों में उसकी तलाश थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फरार दूसरे बदमाश के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटनास्थल से आरोपी का तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह, न्यू स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 12 जुलाई की रात झांसी से अगवा किए गए दो कारोबारियों को एसटीएफ ने आगरा से सकुशल बरामद कर लिया। बदमाशों ने दोनों कारोबारियों को थाना सिकंदरा इलाके के एक आलीशान फ्लैट पर रखा था। लखनऊ और आगरा एसटीएफ के साथ झांसी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और एनकाउंटर के बाद कारोबारियों को छुड़ा लिया गया। हालांकि बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। आगरा की इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग देर रात तक उस वक्त सकते में आ गए जब पुलिस फोर्स ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और एसटीएफ की ये पूरी कवायद अगवा दो कारोबारियों को छुड़ाने के लिए की गई थी। लखनऊ, झांसी और आगरा एसटीएफ की टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। देर रात चले ऑपरेशन के बाद पुलिस ने झांसी से अगवा किए गए दोनों सर्राफा कारोबारियों को सकुशल छुड़ा लिया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और घंटों तक लोग दहशत में रहे। अचानक एकदम कार्रवाई हुई। एसटीएफ या एसओजी जो भी रहे हों सिविल ड्रेस में आए और एक दो फायर भी शायद हुआ, आवाज आई थी। उसके बाद में हम लोग जो एकदम जब बाहर निकले तो एकदम से हमको तो अंदर कर दिया। बाद में क्या कार्रवाई हुई कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जैसा चर्चा है नीचे लोग वहाँ कह रहे थे कि दो व्यापारियों को बचाया गया है जिनका अपहरण करके लाया गया था। बदमाशों से एसटीएफ की मुठभेड़ थाना सिकंदरा के पास एक बिल्डिंग में हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एसएसपी एसटीएफ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पिछले दो हफ्ते से एसटीएफ और झांसी पुलिस बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करने में लगी थी। काफी कोशिश के बाद एसटीएफ को ये कामयाबी हाथ लगी। झांसी से राजेंद्र अग्रवाल, राजू कमरिया और इनके भतीजे
राहुल का अपहरण कुछ अपराधियों द्वारा किया गया था और बाद में इनसे फिरौती की मांग की गई। हम लोगों के पास इतनी सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए जो मैंडेट था, हम लोगों ने चेक करना शुरू किया। अपराधी बहुत ही शातिर और चालाक थे, लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे और अलग अलग इलाकों में घूमते रहे, कभी भी एक जगह स्टैटिक नहीं रहे, जिसकी वजह से ऑपरेशन डिलेड हुआ। दो कारोबारियों के अपहरण की यह सनसनीखेज वारदात झांसी के कोतवाली इलाके की है। 12 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे सराफा कारोबारी राजू कावरिया और उनके साथी संदीप को कार में अगवा कर लिया गया था। दोनों अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ भी बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई थी। कारोबारियों को सकुशल छुड़ाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। दोनों अपहृतों को सकुशल सुरक्षित छुड़ा लिया। दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं। इनका मेडिकल कराया गया। कल साग में थे, ट्रॉमा में थे, तो इन्होंने बहुत सारी जानकारियां नहीं दी। आज जब ये थोड़ा सामान्य हुए हैं तो इनसे बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं, जिसके आधार पर पुलिस की टीमें गठित करके सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने, अकाउंट फायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कारोबारियों को छोड़ने की एवज में बदमाशों ने 30 करोड़ की फिरौती मांगी थी। शातिरों ने दोनों को झांसी से लाकर आगरा के पौश इलाके में रखा था। लोकेशन ट्रेस होने के बाद आगरा एसटीएफ की मदद से घेराबंदी की गई, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी। उसमें एक विनोद जाट है जो कि बर्खास्त सिपाही है और इसके साथी जितेंद्र और जितेंद्र कंजा लोकेंद्र और इसके साथ साथ तीन अन्य और साथी रहे हैं, जिनके फोटो और विवरण हमारे पास हैं। नाम और बाकी उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। रिहायशी इलाका होने की वजह से ऑपरेशन को बड़ी मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया गया, ताकि कोई शख्स जख्मी ना हो। मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को पकड़ा भी गया, जिनसे पूछताछ जारी है। आईजी और एसएसपी ने कारोबारियों की सकुशल बरामदगी से खुशी जाहिर की है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शातिर गैंग वाहन चोरी करता था, फिर नकली कागजात बनवाकर उसे ग्राहक ढूंढकर बेच दिया करता था। काशीपुर में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की एक टीम लगाई गई, तो चोरी के वाहनों में इस्तेमाल होने वाले जाली कागजात बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने छापेमारी की तो आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में नकली कागजात और उन्हें बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस गिरफ्त में चेहरा छिपाए बैठे ये दोनों युवक शातिर जालसाज हैं, जो जाली दस्तावेज का कारोबार करते थे। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी, परमिट, स्कूल की मार्कशीट और सरकारी मोहरे, जो भी चाहिए ये सब कुछ बनाकर देते थे, बस कुछ रुपए लेकर। वाहन चोरों की धरपकड़ में लगी पुलिस ने जब इसके पीछे जुड़े शातिरों की पड़ताल की तो जालसाजी से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जाली कागजात बनाने का ये प्रिंटिंग प्रेस काशीपुर कोतवाली इलाके के लहोरियान मोहल्ले में चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक वाहन चोरों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को चोरी के वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नकली कागजात बनाने वालों के बारे में जानकारी मिली। वाहन चोरी के लिए टीम गठित की गई है। इस टीम को सूचना मिली कि जो वाहन चोरी में जो कागज इस्तेमाल होते हैं नकली, उसको दो लोग यहाँ पे काशीपुर में बना रहे हैं। टीम के द्वारा ट्रैप डाला गया और इसमें दो लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके पास से नकली मोहरें, रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट्स, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जाली प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम नीरज कुमार और इंतजार हुसैन हैं। दोनों लोहरियान इलाके के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में जाली डीएल, फोटो पहचान पत्र, गाड़ियों के फर्जी कागजात और मार्कशीट बरामद हुई है। दोनों आरोपियों का नेटवर्क आसपास के जिलों में भी फैला हुआ था। अभियुक्त इंतजार हुसैन मुहर बनाने का काम करता है और
यही ग्राहकों को ढूंढता था जिन्हें फर्जी लाइसेंस, फर्जी परमिट या अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे, वो इससे कॉन्टेक्ट करते थे। और उसके बाद ये जो नीरज ठाकुर हैं, ये जिनके पास कंप्यूटर का काम है, ये इस पूरे सर्टिफिकेट्स को बना कर देते थे। इस ढंग से इनके द्वारा प्रत्येक प्रमाण पत्र में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक चार्ज किए जाते थे। पुलिस के मुताबिक नीरज कुमार प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और फर्जी कागजात बनाने का काम करता था, जबकि इंतजार हुसैन मोहरे बनाता था और कस्टमर की तलाश करता था। आरोपी जाली कागजात के लिए 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के कंप्यूटर, प्रिंटर और तमाम सामान जब्त कर लिए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए काशीपुर से सतनाम सिंह, न्यूज टेप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खाके पर एक बार फिर शर्मसार कर देने वाले संगीन आरोप लगे हैं। बरेली में एक महिला ने चौकी इंचार्ज और एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति को छोड़ने के बदले वर्दी वालों ने शर्मनाक शर्त रख दी। महिला ने इनकार किया तो आरोपी पुलिस वालों ने उसके साथ बदसलूकी भी की। पीड़ित ने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाती है महिला, अपने पति और खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। महिला ने चौकी इंचार्ज और एक सिपाही पर छेड़छाड़ और अश्लील डिमांड करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का पति जेल में बंद है, जिसको लेकर वो आरोपियों के संपर्क में आई थी। मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला एसपी के दफ्तर पर एक सिपाही के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसे सुनते ही लोग सन्न रह गए। दो तीन बातें कह दी, कहीं सुनी हो गई तो उनको पुलिस उठा कर ले गई। हम गए छुड़ाने के लिए तो उन्होंने कही कि हमारे साथ एक रात रुको कि हम तुम्हारे आदमी को छोड़ देंगे। किसने कहा है? अजीत कुमार ने और उमर। कौन है ये लोग? पुलिस थाने में रहते हैं। पुलिस वाले हैं ये लोग? हाँ। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति का पड़ोसी से विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत पर चौकी इंचार्ज अजीत कुमार मौके पर पहुंचे और पति को पकड़कर चौकी पर ले आए। पति को छोड़ने की गुहार लेकर जब पीड़ित चौकी पहुंची, तो चौकी इंचार्ज और साथी सिपाही की शर्त सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसे चौकी में बने कमरे में खींचने की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपियों ने उसे वहां से भगा दिया। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला मेरे संज्ञान में आया कि महिला ने कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें उसके पति को 151 के तहत चौकी पर लेके गए थे, जिसमें एनसीआर दर्ज थी थाना बमोरा पर। उसके बाद जब महिला चौकी पर गई तो महिला का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने और वहां खड़े सिपाहियों ने उसके साथ गलत हरकत की। इसी संबंध में मेरे द्वारा इसमें प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच में जो भी सही कार्रवाई होगी वही की जाएगी। एसपी ने दोषी पाए जाने पर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन महिला के आरोपों में से एक, जिसमें उसने बिना कागजी कार्रवाई के पति को चौकी में रखने के आरोप लगाए थे, वो जांच के बाद गलत पाए गए हैं। छेड़छाड़ के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तफ्तीश के बाद साफ होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। औरैया के दलेलपुर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। किस लोगों को गिरफ्तार भी किया, करीब 100 से ज्यादा लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर गर्भवती महिला के साथ पिटाई का भी आरोप है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पशु तस्करी की सूचना पर पुलिस छानबीन करने पहुंची थी।
संभल के बनिया ठेर में एक बदमाश ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल पुलिस बदमाश को गिरफ्तार कर ला रही थी, इसी दौरान अचानक वो एक जवान की पिस्टल छीनकर भागने लगा। बदमाश गन्ने के खेत में जाकर छिप गया था, जिसके बाद पुलिस वालों और क्राइम ब्रांच की टीम ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से दो पुलिस वाले घायल भी हो गए। हालांकि मुठभेड़ के बाद बदमाश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और पिस्टल भी बरामद हो गई। पौड़ी के सतपुली में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने सतपुली में चेकिंग अभियान चलाकर 22 पेटी शराब बरामद की। नायर पुलिस के पास एक गाड़ी में भरकर शराब ले जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जांच में गाड़ी के अंदर शराब की पेटियां मिली। पुलिस ने आबकारी एक्ट 60/72 के तहत गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के लज्जापुरी के पास मालवीय प्राथमिक विद्यालय जुआरियों का अड्डा बन चुका है। दिन भर जुआरी यहां जुआ खेलते नजर आते हैं। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है ना ही प्रशासन का। मामले की शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब जुआ खेलते हुए लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, तो डीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सहारनपुर के बेहड़ थाना इलाके में कच्ची शराब बनाने को लेकर दो गुटों में बवाल हो गया। माजरा गांव में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। इस संघर्ष में 6 लोग जख्मी हुए हैं। बवाल की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। SP का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।